इस साल 21 मार्च को मैंने अपने चैनल की पहली वीडियो डाली थी विद जीरो सब्स। फास्ट फॉरवर्ड 15 डेज एंड आई कंप्लीटेड माय फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स। मैं वीडियोस डालता रहा एंड सिर्फ 7 वीडियो से ही इस चैनल के 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके थे एंड माय चैनल वाज मोनेटाइज्ड। आई वाज रियली हैप्पी विद द सक्सेस, बट असली ग्रोथ तो अभी बाकी थी। जब मैंने ये दोनों वीडियोस अपलोड किए, बोथ ऑफ देम वेंट वायरल विद मिलियंस ऑफ व्यूज एंड एज अ रिजल्ट सिर्फ जुलाई के महीने में मुझे 62,000 सब्सक्राइबर्स मिले, मेकिंग डिकोडिंग YT वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल्स इन दिस नीश। बट दिस वॉज नॉट एन ओवरनाइट सक्सेस। मैंने अपना पहला चैनल 2017 में शुरू किया था एंड फॉर 5 years आई सॉ लिटरली नो ग्रोथ। इन 5 सालों में मैंने 180+ वीडियोज बनाए बट नन ऑफ देम वर वायरल। हाउएवर विथ ईच वीडियो मैं सीख रहा था व्हाट इट एक्चुअली टेक्स टू ग्रो ऑन यूट्यूब, व्हाट इट एक्चुअली टेक्स टू गेट व्यूज एंड अर्न रेवेन्यू फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। एंड आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आई एम फाइनली रेडी टू शेयर विद यू माई 2024 यूट्यूब रोड मैप। इस वीडियो में आई टेल यू कि अगर मैं एक कंप्लीट बिगनर होता विद जीरो एक्सपीरियंस, देन मैं अपनी यूट्यूब जर्नी कैसे शुरू करता टू अचीव मैक्सिमम रिजल्ट्स इन द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। और हाँ, ये कोई क्विक टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो नहीं है कि ये कर लो और वीडियो वायरल हो जाएगी, बट इंस्टेड आई वॉन्ट टू शेयर विद यू द राइट माइंड सेट जो कि एक न्यू क्रिएटर के पास होना चाहिए वन स्टार्टिंग अ यूट्यूब चैनल। ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, लेट्स बिगिन। सो व्हेनेवर अ पर्सन डिसाइड्स कि उसे एक न्यू चैनल ओपन करना है, तो पहला चैलेंज जो वो फेस करता है इज डिसाइडिंग द राइट नीश। अगर आपका कोई पैशन है, कोई हॉबी है जिसके ऊपर आप एक चैनल क्रिएट करना चाहते हो, देन ऑब्वियसली आपका नीश पहले ही डिसाइडेड है। बट आई नो कि बहुत सारे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक चैनल इसलिए स्टार्ट करना चाहते हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब, या फिर दे सिंपली वॉन्ट टू ट्राई मेकिंग यूट्यूब वीडियोज। और इन दोनों ही केसेज में इट्स नॉर्मल फॉर द क्रिएटर टू बी कन्फ्यूज अबाउट द नीश ऑफ द चैनल। तो फिर सही नीश कैसे सेलेक्ट करें, इसके लिए आई वॉन्ट टू शो यू दिस 3-circle डायग्राम। यहाँ पे पहला सर्कल स्टैंड्स फॉर पैशन। आप जिस भी नीश में एंटर करना चाहते हो, मेक श्योर यू आर पैशनेट अबाउट इट। एग्जाम्पल के लिए बहुत लोग होते हैं जो एक टेक चैनल ओपन करना चाहते हैं जस्ट बिकॉज उसमें बहुत पैसा है, इवन दो उन्हें टेक में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे क्रिएटर्स स्टार्टिंग में तो वीडियोज बना लेंगे बट लॉन्ग टर्म में इनके लिए यूट्यूब पे रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा बिकॉज दे विल नॉट एंजॉय मेकिंग वीडियोज। प्लस अगर चैनल से एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिले तब तो वो बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाएंगे। एंड दिस इज नॉट हाउ यू प्ले द गेम ऑफ यूट्यूब। रिमेंबर कि यूट्यूब इज नॉट अ स्प्रिंट बट अ मैराथन। अगर आपको ग्रो करना है तो लॉन्ग टर्म एफर्ट्स देने होंगे और वो आप तभी दे पाओगे व्हेन यू एंजॉय द प्रोसेस। एंड दैट्स व्हाई इस डायग्राम में पहला सर्कल है पैशन। सो 5 से 6 ऐसे टॉपिक्स के नाम लिखो जिसमें आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है एंड जिसपे आप वीडियोस बनाना चाहते हो। अगर आपको ऐसे टॉपिक्स फाइंड करने में मुश्किल आ रही है तो यू कैन ट्राई टू थिंक ऑफ द टाइप ऑफ वीडियोस जो आप यूजुअली यूट्यूब पे देखते हो, एंड 5 से 6 टॉपिक्स तो आपको तभी मिल जाएंगे। इसके बाद द नेक्स्ट सर्कल इन दिस डायग्राम स्टैंड्स फॉर एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स आपको अपने नीश में इंटरेस्ट होना चाहिए बट साथ ही साथ यू शुड हैव द राइट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस एज वेल। सोचो कि जो भी 5 से 6 टॉपिक्स के नाम लिखे हैं आपने, उसमें से सबसे ज्यादा नॉलेज या एक्सपीरियंस आपको किस बारे में। ऑफ कोर्स जितना एक्सपीरियंस होगा आप उतना ही अच्छा और बाकी उसे बेटर कॉन्टेंट बना पाओगे फॉर द व्यूअर्स। प्लस आपको वीडियो आइडियाज भी बहुत ईजिली मिलेंगे। After you have a list of topics जिनमें आपका interest और experience दोनों है, you have to check the final circle, that is profit. Of course, अगर आप YouTube पे आ रहे हो then कुछ expectations होंगे आपके मन में, like मेरे इतने views आएंगे, मेरे इतने subscribers होंगे, मैं YouTube से इतना कमाऊंगा, etc. तो आपको YouTube पे जाके देखना है कि जो niche आपने select किया है is it even profitable. You can see कि उस niche के successful creators को on an average कितने views आ रहे हैं, उनके कितने subscribers हैं, and देखो कि वो numbers आपके expectations से match कर रहे हैं कि नहीं। And जब आपको वो topic मिल जाए जो इन तीनों सर्कल्स के इंटरसेक्शन में फिट हो रहा है, देन बिंगो, यू हैव फाउंड अ ग्रेट नीच फॉर योरसेल्फ। मुझे याद है जब मैं डिकोडिंग YT स्टार्ट करने वाला था तब भी मैंने इन 3 सर्कल्स को चेक किया था, एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं YouTube ग्रोथ के बारे में वीडियोस बनाऊंगा। YouTube ग्रोथ वाज अ टॉपिक जिसमें मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, 5 साल का एक्सपीरियंस था, एंड ऑल्सो इस नीच के टॉप क्रिएटर्स को अच्छे खासे व्यूज आ जाते हैं एंड वो कमाते भी बहुत हैं। After you have found your niche, let's jump on to the next step of the process, जो कि बहुत ही easy and also मज़ेदार है। आपको एक न्यू YouTube अकाउंट ओपन करना है और उससे अपने सेलेक्टेड नीश के सभी चैनल्स को सब्सक्राइब करना है। सो लेट्स से मैंने डिसाइड किया है कि आई विल स्टार्ट एन इंफोटेनमेंट चैनल। सो आई विल गो टू माई न्यू YouTube अकाउंट, फाइंड द टॉप चैनल्स इन दिस नीश एंड उन्हें सब्सक्राइब कर दूंगा। फिर ऑल आई हैव टू डू इज कंज्यूम देयर कॉन्टेंट।
बट वाई आर वी डूइंग दिस? तो सुनो, बहुत लोग ये बोलते हैं कि यूट्यूब पे ग्रो करना है तो यू हैव टू बी यूनिक. इनफैक्ट अर्ली डेज में मेरा भी सेम ओपिनियन था, एंड ये बात गलत भी नहीं है. लेकिन फ्रॉम माई एक्सपीरियंस व्हाट आई हैव फाउंड इज कि इन मोस्ट केसेस यूट्यूब पे ग्रो करने का फास्टेस्ट वे है टॉप क्रिएटर्स को इमिटेट करना. नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, आपको किसी भी क्रिएटर को कॉपी नहीं करना है, बट जब आप इन टॉप क्रिएटर्स के वीडियोस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज करेंटली वर्किंग इन योर नीश एंड व्हाट इज नॉट वर्किंग. किस टाइप के थंबनेल्स पर ज्यादा व्यूज आते हैं एंड किस पे कम. इस नीश में एडिटिंग मोस्टली किस टाइप की होती है, फास्ट पेस्ड और स्लो पेस्ड. कौन से वीडियो आइडियाज वायरल होते हैं और कौन से नहीं. आप जितना कंटेंट कंज्यूम करोगे आपको उतना ही अपने नीश के बारे में आइडिया लगेगा. इफ यू वांट यू कैन टेक अ डायरी और उसमें आप नोट्स भी बना सकते हो अबाउट व्हाटएवर यू हैव लर्न्ड. लाइक जब भी एक वीडियो आपका अटेंशन ग्रैब करे तो देखो कि उसके थंबनेल में ऐसा क्या था विच मेड यू क्लिक. अगर किसी वीडियो में आप इंस्टेंटली हुक हो जाओ तो देखो कि उसका इंट्रो कैसा था. अगर किसी पार्ट में बोर हो जाओ तो देखो कि व्हाट मेड यू लूज इंटरेस्ट, एंड इन सब चीजों को नोट डाउन करो जैसा मैं भी करता था इन माय अर्ली डेज. रिमेंबर इफ यू फॉलो व्हाट हैज ऑलरेडी वर्कड ऑन यूट्यूब आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. सो अपने नीश के टॉप क्रिएटर से सीखो और अप्लाई करो. बात रही यूनिक होने की तो देयर इज दिस वेरी फेमस कोट दैट सेज विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली, एंड दिस अप्लाईज वेरी वेल टू यूट्यूब. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है टेक बर्नर. वो भी बाकी टेक यूट्यूबर्स की तरह टेक प्रोडक्ट्स ही रिव्यू करते हैं, बट उनके वीडियोज में जो एक एडिशनल ह्यूमर का एस्पेक्ट है वो उन्हें बाकियों से बहुत ज्यादा यूनिक बनाता है. सो ऐसे आप भी मार्केट में अपना एक एज, एक यूनिक सेलिंग पॉइंट फाइंड करके स्टैंड आउट कर सकते हो. Once you have done these two steps of the process, जो next step है वो सबसे ज़्यादा important है, and that is acquiring skills as soon as possible. In fact, यहीं से आपकी YouTube journey actual में शुरू होने वाली है. Now, because I want you guys to know the reality of YouTube, मैं आपको fake hopes नहीं दूंगा कि आपकी पहली ही video viral हो जाएगी. Because for 95% creators, their first 100 videos are trash, and उनपे views नहीं आते हैं. Mr. Beast के पहले 100 videos trash थे, PewDiePie के पहले 100 videos trash थे, and most creators के पहले 100 videos trash थे एंड उन पे व्यूज नहीं आए. इवन आई मेड मोर देन 180 प्लस वीडियोस अक्रॉस डिफरेंट चैनल्स एंड ऑलमोस्ट नन ऑफ देम गॉट व्यूज बिकॉज दे वर ऑल ट्रैश. लेकिन यही पहले 100 वीडियोस थे जिनसे आई लर्न्ड ऑल द स्किल्स दैट आर इंपॉर्टेंट टू बिकम अ यूट्यूबर. स्क्रिप्ट लिखना, कैमरे के सामने बोलना, ऑडियो रिकॉर्ड करना, एडिटिंग करना, थंबनेल बनाना. योर फर्स्ट 100 वीडियोस टीचेस यू ऑल दीज स्किल्स, एंड दैट्स हाउ सारे क्रिएटर्स कंटेंट क्रिएशन सीखते हैं. बट देयर इज अ गुड न्यूज, यू डोंट एक्चुअली नीड टू मेक 100 वीडियोस टू बिकम दैट गुड. आप बहुत कम वीडियोस में भी इन नेसेसरी स्किल्स को एक्वायर कर सकते हो इफ यू आर एक्टिवली ट्राइंग टू इम्प्रूव. देखो यूजली क्या होता है, एक क्रिएटर अपना चैनल शुरू करता है विद जीरो एक्सपीरियंस एंड नॉलेज. टाइम के साथ जैसे जैसे वो वीडियोस बनाता है तो उसके स्किल्स इंप्रूव होते जाते हैं, बट वो बहुत ही ग्रेजुअली इंप्रूव होते हैं बिकॉज क्रिएटर का ध्यान सिर्फ वीडियोस डालने पर होता है इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू इम्प्रूव. ये इंप्रूवमेंट नेचुरली अपने आप होती है, एंड दैट्स वाई इसमें बहुत समय लगता है. सो नाउ इंस्टेड ऑफ बीइंग डिपेंडेंट ऑन टाइम कि हम खुद समय के साथ इंप्रूव हो जाएंगे, व्हाट इफ हम एक इंप्रूव करने का प्लान बनाएं. व्हाट इफ वी डिसाइड कि हम हर वीडियो के साथ एक चीज को इंप्रूव करेंगे, एंड दैट इज व्हाट आई कॉल एक्टिवली ट्राइंग टू इंप्रूव. अपने डायरी में एक लिस्ट बनाओ ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स और एस्पेक्ट्स जो आपके चैनल को ग्रो करने के लिए जरूरी है, एंड हर वीक के साथ ट्राई करो किसी भी एक एस्पेक्ट को इंप्रूव करने का या फिर किसी भी स्किल को सीखने का. फॉर एग्जाम्पल यू कैन डिसाइड कि इस वीक वाली वीडियो में आप अपनी ऑडियो को इंप्रूव करोगे. उसके लिए शायद आपको एक माइक लेना पड़े, सो गो अहेड एंड बाय दैट माइक. नेक्स्ट वीक यू कुड डिसाइड कि आप अपनी एडिटिंग इंप्रूव करोगे, सो यूट्यूब पे जाओ और कोई डिटेल्ड एडिटिंग ट्यूटोरियल देखो और उससे जितनी चीजें सीखी हैं सबको अपने नेक्स्ट वीडियो में अप्लाई करने की कोशिश करो. ऑफ कोर्स आप जो भी सीखोगे इंप्रूव करोगे उसमें आप एक बार में परफेक्ट नहीं हो जाओगे, सो यू जस्ट हैव टू गिव योर बेस्ट. ऐसे ही नेक्स्ट वीक यू कुड डिसाइड टू इंप्रूव योर थंबनेल्स, फिर स्क्रिप्टिंग, स्टोरी टेलिंग, ब्रांडिंग, टॉकिंग टू द कैमरा, एंड ऐसे कितने सारे स्किल्स हैं जो एक यूट्यूबर के लिए जरूरी हैं. अब चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इन्हें अपने डायरी में लिख सकते हो. अगर आप इस टाइप से एक प्लान के साथ स्किल्स अक्वायर करोगे तो सिर्फ कुछ 25-30 वीडियोस में ही आपकी कंटेंट क्वालिटी काफी इंप्रूव हो जाएगी. बहुत सारे क्रिएटर्स होते हैं हु थिंक कि वो पहले ही वीडियो से वायरल हो जाएंगे, एंड दैट्स व्हाई वो सब कुछ बिल्कुल परफेक्टली शुरू करना चाहते हैं और पहले ही वीडियो डालने में हफ्ते लगाते हैं. बट लेट मी आस्क यू, अगर आप वीडियोस ही नहीं डालोगे तो हाउ विल यू बिकम परफेक्ट, हाउ विल यू लर्न, हाउ विल योर वीडियोस बी गुड. एंड दैट्स व्हाई आई रिकमेंड कि स्टार्टिंग में जितने हो सके उतने वीडियोस डालो, लाइक एटलीस्ट 1-2 टाइम्स अ वीक. दे विल ऑल बी ट्रैश बट आप उनसे बहुत कुछ सीखोगे.
Now, before we move further, मैं एक ऐसे सीक्रेट के बारे में बात करना चाहता हूँ जो आपके चैनल को ग्रो करने में आपकी बहुत मदद करने वाला है, and that is vidIQ. vidIQ is full of tools and features जो एक YouTube चैनल को ग्रो करने के लिए जरूरी है. From doing keyword research to writing titles, descriptions, tags to generating video ideas and even writing scripts, vidIQ आपके लिए सब कर सकता है. One of my favorite tools from them is their AI-powered YouTube coach. ये ChatGPT की technology और vidIQ के YouTube knowledge का use करता है, जिसके basis पे आपको YouTube related guidance दे सकता है and आपके किसी भी question का answer कर सकता है just like a coach. For example, I can ask what can I do to get more views on my channel. And आप देख सकते हो कि ये मुझे बहुत सारे actionable points बताएगा जिससे मैं अपने views बढ़ा सकता हूँ, और ये सारे points specifically मेरे channel Decoding YT के लिए. अब यहाँ पे AI coach मुझे बोल रहा है कि मुझे अपने gaming channel वाले videos से related और videos बनाने चाहिए. तो अब मैं फिर से इससे पूछूंगा, कैन यू सजेस्ट मोर वीडियो आइडियाज रिलेटेड टू ग्रोइंग अ गेमिंग चैनल. एंड आप देख सकते हो, आई हैव गॉट सम रियली गुड आइडियाज जो कि मेरे मन में पहले नहीं आए थे, एंड आई एम श्योर कि इन सब पे व्यूज आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं. अनदर टूल फ्रॉम vidIQ इज देयर AI जनरेटेड डेली वीडियो आइडियाज. ये टूल आपके चैनल और आपके नीश के बाकी चैनल्स को एनालाइज करता है और फिर ये देखता है कि रिसेंटली इन सभी चैनल्स पे किस टाइप के वीडियोस अच्छे परफॉर्म किए हैं, और फिर इस डेटा का यूज करके ये डेली आपको बहुत ही अच्छे वीडियो आइडियाज देता है. अगर आपको कोई वीडियो आइडिया पसंद आए तो आप उसे सेव कर सकते हो, और अगर नहीं पसंद आए तो उसे डिसमिस कर सकते हो. नॉट जस्ट दिस, हर वीडियो आइडिया के साथ vidIQ आपको ये भी बताता है कि उस पे व्यूज आने के चांसेस कितने हैं. ऑल्सो अगर आप चाहो तो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक का नाम भी एंटर कर सकते हो टू गेट कस्टमाइज्ड वीडियो आइडियाज. इसके अलावा भी vidIQ में बहुत सारे हेल्पफुल टूल्स हैं, लाइक द कीवर्ड्स टैब, जहाँ पे ये मुझे उन कीवर्ड्स का लिस्ट दे रहा है जिनके बेसिस पे अगर मैं वीडियोस बनाऊं तो मेरे व्यूज आने के चांसेस ज्यादा हैं. मैं चाहूँ तो कोई स्पेसिफिक कीवर्ड भी सर्च कर सकता हूँ, लेट्स से यूट्यूब थंबनेल्स. तो आप देख सकते हो कि इस कीवर्ड का ओवरऑल स्कोर मीडियम है, जो कि मेरे चैनल के लिए तो बुरा नहीं है बिकॉज मेरे ऑलरेडी बहुत सब्सक्राइबर्स हैं, बट अगर कोई न्यू क्रिएटर होगा तो वो इतने ब्रॉड कीवर्ड पे रैंक नहीं कर पाएगा. सो अभी आई विल गो टू द रिलेटेड कीवर्ड सेक्शन, जिससे मुझे मेन कीवर्ड से रिलेटेड और कीवर्ड्स मिल जाएंगे. सो यहाँ पे यू कैन सी एक कीवर्ड है YouTube थंबनेल AB टेस्टिंग, जिसपे कॉम्पिटिशन बहुत लो है. सो मैं इस पर क्लिक करूंगा. And there you go. इस कीवर्ड का ओवरऑल स्कोर हाई है बिकॉज इसे लोग सर्च भी अच्छे खासे वॉल्यूम में करते हैं, एंड इस पर कॉम्पिटिशन भी बहुत कम है, विच मीन्स कि कोई स्मॉल चैनल भी इस कीवर्ड पे रैंक कर सकता है. एंड vidIQ में ऐसे ही बहुत सारे हेल्पफुल टूल्स हैं जो आपके चैनल को ग्रो करने में बहुत मदद करेंगे. सो अगर आप भी vidIQ ट्राई करना चाहते हो तो मेरे पास आपके लिए एक गिफ्ट है. डिस्क्रिप्शन में दिए हुए स्पेशल लिंक पे क्लिक करो एंड आपको एक 90% डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आप vidIQ के सारे टूल्स को कम्प्लीटली एक्सेस कर सकते हो अलॉन्ग विद देयर AI कोच. अगर आपने आज तक vidIQ के प्रीमियम फीचर्स ट्राई नहीं किए हैं, देन दिस इज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी. डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में दिए हुए लिंक पे क्लिक करो एंड ऐड vidIQ टू योर आर्सेनल. Now moving on further, I guess it's very important कि new creators जो अपना channel 2024 में शुरू करने वाले हैं, उन्हें अच्छे से पता हो कि YouTube algorithm exactly काम कैसे करता है. Knowing about the aim of the algorithm can help you know what to actually focus on. So ये सबको पता है कि YouTube चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा time उसके platform पे spend करें, because जितना time हम spend करेंगे उतने ही ads YouTube हमें दिखा पाएगा, which means more money. And the simplest way to make viewers stay on the platform is to find and recommend videos that the viewer is most likely to watch. And exactly यही YouTube algorithm का aim है. जब algorithm decide करता है कि viewer को कौन से videos recommend करने हैं, तो there are two steps involved in this process. सबसे पहले it finds videos जो viewer के interest से match करते हैं. इसके लिए algorithm viewer के past watch history and search history को देखता है, and उसके help से best videos find करता है for the viewer based on their interest. Second step में algorithm हर video को उसके performance के basis पे rate करता है, and जो best videos हैं उन्हें viewer को recommend करता है. जिस video का performance जितना अच्छा उसे मिलेंगे उतने इंप्रेशंस, मतलब वो वीडियो लोगों के फीड में रिकमेंड होगी. सो बेसिकली इफ आई से दिस सेंटेंस माय वीडियो ब्रोक द YouTube एल्गोरिथम, इट मींस कि मेरी वीडियो उन सभी क्राइटेरियाज को फुलफिल करती है जो एक वीडियो पे इंप्रेशंस लाने के लिए जरूरी है. सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट क्राइटेरिया, व्हिच इज CTR. CTR स्टैंड्स फॉर क्लिक थ्रू रेट, एंड इट्स अ मेजर ऑफ हाउ क्लिकेबल योर वीडियो इज. लेट्स से YouTube ने आपके वीडियो को 100 इंप्रेशंस दिए, मतलब 100 लोगों को रिकमेंड किया, एंड उसमें से 5 लोगों ने उस वीडियो पे क्लिक किया. In that case, आपका CTR 5% हो जाएगा.
से 5 नहीं 15 लोग क्लिक करते हैं तो आपका CTR 15% हो जाएगा एंड सो ऑन। तो बेसिकली YouTube जितने भी लोगों को आपकी वीडियो रिकमेंड करता है उसमें से कितने परसेंट लोग उस पर क्लिक करते हैं, डैट इज योर CTR। एंड ऑफ कोर्स ये जितना ज्यादा होगा उतना बेटर है। नाउ आई वोंट टेल यू कि वायरल होने के लिए कितना CTR जरूरी है बिकॉज देयर इज नो सच मैजिक नंबर। ऑल आई विल टेल यू इज कि आपका एवरेज CTR जितना भी है उसे सिर्फ इंप्रूव करने की कोशिश करो। नेक्स्ट वी हैव वॉच टाइम। द मोर टाइम अ व्यूअर स्पेंड्स ऑन योर वीडियो द मोर एड्स YouTube कैन सर्व एंड द मोर मनी दे कैन मेक। एक वीडियो के वॉच टाइम को बढ़ाने के लिए वैसे तो मैं आपको बहुत टिप्स दे सकता हूँ बट आई डोंट वॉन्ट दिस वीडियो टू बी टू लॉन्ग, सो हियर आर सम बेसिक टिप्स जो एक बिगनर को भी पता होने चाहिए। नंबर वन इज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग इंट्रो हुक। मैक्सिमम ऑडियंस एक वीडियो को फर्स्ट 30 सेकंड्स में ही छोड़ देती है, तो अगर आपको वीडियो के किसी पार्ट को एंगेजिंग बनाने में सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए तो वो है इंट्रो। नंबर टू इज डिलीवर व्हाट यू प्रॉमिस इन योर टाइटल एंड थंबनेल। इफ यू क्रिएट एक्सपेक्टेशंस इन द व्यूअर्स माइंड देन उन एक्सपेक्टेशंस को मैच करना भी जरूरी है। नंबर थ्री यूज पैटर्न इंटरप्ट्स। एडिटिंग के वक्त कट्स, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, साउंड इफेक्ट्स और डिफरेंट कैमरा एंगल्स का यूज करके यू कैन मेक द वीडियो विजुअली एंगेजिंग। इसके बाद वी ऑल्सो हैव अदर एंगेजमेंट मेट्रिक्स जिससे YouTube डायरेक्टली मेजर करता है कि आपके वीडियो ने व्यूअर को कितना सेटिस्फाई किया। इट इंक्लूड्स लाइक्स, कॉमेंट्स, सब्सक्राइबर्स गेन फ्रॉम द वीडियो एंड शेयर्स। एंड दिस वॉज अ बेसिक आइडिया ऑफ हाउ द YouTube एल्गोरिदम वर्क्स। नाउ उससे पहले कि हम वीडियो खत्म करें आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट हाउ टू गेट व्यूज एज अ न्यू क्रिएटर बिकॉज बहुत लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपनी YouTube जर्नी स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहला तो यही है कि आप किसी ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाओ जो आपके नीश में ट्रेंड कर रहा है या आपके नीश में पॉपुलर है। लाइक व्हेन आई स्टार्टेड डिकोडिंग YT आई मेड माई फर्स्ट वीडियो ऑन अ बिगर क्रिएटर जो कि बहुत पॉपुलर है। एज अ रिजल्ट वो लोग जो मुझे तो नहीं बट एल्ग्रो भाई की वीडियोज देखते थे उन्हें भी मेरी वीडियोज रिकमेंड होने लगी एंड आई रिमेम्बर वीडियो अपलोड करने के कुछ घंटों में ही मुझे इनिशियल व्यूज आने लगे थे डिस्पाइट हैविंग जीरो सब्स। इसके अलावा व्यूज लाने के लिए न्यू क्रिएटर्स का बेस्ट फ्रेंड होता है YouTube सर्च। बाय मेकिंग वीडियोस ऑन टॉपिक्स विद लो कंपटीशन एंड हाई सर्च वॉल्यूम एनी न्यू यूट्यूबर कैन गेट लॉट्स ऑफ व्यूज। इसके लिए आप vidIQ की मदद ले सकते हो जैसा कि मैंने दिखाया था एंड हाई कीवर्ड स्कोर वाले टॉपिक्स फाइंड कर सकते हो। After this, another method to get views on a new channel is narrowing down your niche. Example के लिए YouTube growth. इस niche में बहुत सारे channels हैं and there's a good amount of competition. So if someone makes a channel on all types of YouTube growth tips, तब वो क्रिएटर उन सभी लोगों को टारगेट करेगा जो अपना चैनल ग्रो करना चाहते हैं। नाउ लेट्स से वो सेम आदमी अपने चैनल का नीश थोड़ा नैरो डाउन करता है एंड दिस टाइम इंस्टेड ऑफ मेकिंग वीडियोस फॉर एवरीवन हु वांट्स टू ग्रो देयर चैनल वो सिर्फ उन लोगों के लिए वीडियोस बनाता है जिन्हें अपना गेमिंग चैनल ग्रो करना है। इसे कहते हैं नीश डाउन करना। इससे हमारी टारगेट ऑडियंस बहुत लिमिटेड हो जाती है बट ऑन द ब्राइट साइड आपकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड कम्युनिटी बिल्ड होगी एंड आप स्पेसिफिक सब नीश के लिए प्राइमरी कॉन्टेंट प्रोवाइडर बन सकते हो विच ऑब्वियसली मीन्स लॉट्स ऑफ व्यूज। फाइनली जो मोस्ट कॉमन तरीका है व्यूज लाने का वो है बाय शेयरिंग योर वीडियोस। अगर आपका कंटेंट ऐसा है जिसे जनरल ऑडियंस भी कंज्यूम कर सकती है लाइक व्लॉग्स एंड एंटरटेनमेंट वीडियोस देन यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अदरवाइज अगर आपका कंटेंट किसी स्पेसिफिक ऑडियंस को ही केटर करता है देन यू कुड यूज क्वारा और रेडिट। एग्जाम्पल आपने एक वीडियो बनाया है जो किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन को आंसर करता है तो यू कैन गो टू क्वारा एंड वहां पे अगर कोई इंसान वो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसके रिप्लाई में आप एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन और अपने वीडियो का लिंक दे सकते हो। आई रिमेम्बर ये सेम चीज मैं अपने पुराने चैनल के लिए करता था एंड आई यूज टू गेट सो मेनी व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स जस्ट फ्रॉम क्वारा। ऑल राइट सो हम वीडियो के एंड में आ चुके हैं एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से बेस्ट ऑफ लक टू everyone जो 2024 में अपना न्यू चैनल ओपन करने वाले हैं एंड ऑल्सो जिनका पहले से चैनल है आई रियली होप यू गाइज ग्रो अ लॉट। इस चैनल पर मैं ऐसे ही YouTube ग्रोथ रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ तो अगर आप भी अपनी YouTube जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो बिकॉज फ्यूचर में और भी बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोस आने वाले हैं विच यू डोंट वांट टू मिस। ऑल्सो इफ यू वांट टू ट्राई vidIQ देन डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करो एंड यू विल गेट अ 90% डिस्काउंट। एंड या मैं आपसे किसी और वीडियो में मिलूंगा। बाय।